पूर्व आधुनिक कालीन भारत में चित्रकला। भारत में 15वीं सदी में चित्रकला का एक नया दौर शुरू हुआ। यह लघु चित्रों का युग था, जिसमें कागज पर गहरे रंगों का उपयोग करते हुए चित्र बनाए जाते थे। इन लघु चित्रों के दो तरह के प्रेरणा स्रोत थे, एक तो ताड़पत्र पर बने ग्रंथों के बीच बनाए गए सरल चित्र, जिनकी पहचान उनके चटक गहरे रंग हैं। इनमें मनुष्यों व जानवरों को हूबहू न बनाकर उनके आदर्श रूप को दर्शाया जाता था। लघु चित्रों का एक और प्रेरणा स्रोत था ईरान की लघु चित्र परंपरा। ईरान में कागज की हस्तलिखित किताबों में वर्णित किस्सों को चित्रों में दर्शाने की प्रथा थी। यह लगभग वही समय था जब यूरोप में रेनॉसा युग शुरू हो रहा था। ईरान के सबसे मशहूर चित्रकार थे बेहजाद, सन 1450 से सन 1535, जिनका एक चित्र यहाँ दिया गया है। जब भारत में मुगलों का शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने बहुत से ईरानी कलाकारों को भारत आमंत्रित किया। इन कलाकारों के साथ पारंपरिक भारतीय चित्रकार भी जुड़ गए। ये वो लोग थे जो चटक और विविध रंगों के उपयोग में दक्ष थे। बादशाह अकबर के समय के एक मुगल दरबारी कलाकार मिस्किन का बनाया चित्र देखें। यह चित्र महाभारत और उसके परिशिष्ट हरिवंश पर आधारित है, जिसमें श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए और उसके नीचे शरण लिए गायों, ग्वालों व अन्य लोगों को दिखाया गया है। इस चित्र में एक जटिल दृश्य को अनेकानेक लोगों के व्यक्तिगत चित्रण के साथ पेश किया गया है। ये लोग कोई सफल योद्धा या व्यापारी नहीं है, बल्कि सामान्य ग्रामीण लोग हैं। यहाँ एक और चित्र को देखें, जिससे बादशाह जहांगीर के समय विचित्र नामक चित्रकार ने लगभग सन 1620 में बनाया। यह एक प्रतीकात्मक चित्र है, जिसमें जहांगीर के दैवी रुझान को दिखाया गया है। जहांगीर, जिसके सिर के चारों ओर सूरज जैसा आभा मंडल है, वह रेत घड़ी जैसे आसन पर बैठा है। उसके दोनों ओर यूरोपीय शैली की परियां हैं। वे किसी सूफी संत को एक पुस्तक भेंट में दे रहे हैं, जबकि ऑटोमान सुल्तान, इंग्लैंड के राजा और विचित्र खुद इंतजार में खड़े हैं। यहाँ यह जताया गया है कि जहांगीर खुद तो कालजयी है और वे बादशाहों को नहीं, सूफियों और ईश्वर के भक्तों को प्राथमिकता देते हैं। विभिन्न तरह के प्रतीकों व अतिशयोक्तियों के बावजूद इस चित्र में जो लोग दर्शाए गए हैं उनका चित्रण बहुत यथार्थ है और उनके व्यक्तिगत हुलिये स्पष्ट हैं।